हाय एवरीवन, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। अभी रात का बज रहा है 9:30 और हम लोग जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि आज होलिका दहन भी है, तो हो सकता है हम लोग उसको भी कवर करेंगे अगर जल्दी हो गया तो। अगर उसमें टाइम लगेगा तो हम लोग हो सकता है मूवी देखें आज। तो देखते हैं फिर क्या क्या होता है और ये ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। तो साथ में हम लोग जो जो आज एक्सप्लोर करेंगे वो भी आप लोग देखोगे, और साथ में होलिका दहन जो होगा हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी पूरा कवर करें, क्योंकि हो सकता है उसका टाइमिंग जो है वो 12 बजे के बाद हो, क्योंकि जो हिंदू वाला पंचांग है उसके अकॉर्डिंग उसका जो टाइमिंग वगैरह है वो कुछ 12 बजे के बाद है। तो हो सकता है हम लोग उसके बाद उसको कवर करें, और उससे पहले अगर हम लोग के पास टाइम बचा और अगर हॉल खुला रहा तो हम लोग कुछ मूवी देखेंगे। बट देखते हैं वहाँ मूवी कौन सा हम लोग को देखने को मिलता है। वैसे प्लानिंग ये है कि हम लोग द कश्मीर फाइल्स देखने वाले हैं, बाकी अब देखते हैं वहाँ पर जाके किस चीज़ का टिकट मिलता है, या हॉल खुला भी है या नहीं, या हम लोग को वापस आना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग रात में देखेंगे कुछ जो नाइट राइड होगा वो करके, या कुछ सूट वूट करके जो है वो आ जाएंगे, और बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग व्लॉग में ही। वैसे हम लोग एक जगह टिकट नहीं मिला, लेकिन हम लोग मन बना के निकले थे कि आज देखना है तो देखना है। तो फाइनली दूसरी जगह यहाँ पे पीएम मॉल, आप लोग इसका ब्लॉग भी देख चुके होंगे, और उस ब्लॉग में हम लोग सिनेपॉलिस को स्किप कर दिए थे, उस दिन टाइम नहीं बचा था। तो आज आप लोग इसको भी देख सकते हो, साथ में हम लोग मूवी भी देख सकते हैं। तो पहले यहाँ मूवी देखेंगे, उसके बाद जाते वक्त हम लोग रास्ते में जो भी होलिका दहन होते रहेगा उसको हम लोग विटनेस करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं मूवी देखने के बाद, ठीक है? तो मूवी खत्म हो चुका है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो ये मूवी काफी पहले रिलीज हो चुका था, हम लोग लेट कर दिए देखने में। हम लोग वैसे आए थे द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए, बट हम लोग को उसका टिकट नहीं मिल पाया, तो हम लोग फाइनली गंगूबाई देखें सिनेपॉलिस में आके। पहले वाले हॉल में तो टिकट ही नहीं मिला, वहाँ पे हाउसफुल था। तो वैसे काफ़ी अच्छा मूवी था, 100 out of 100। तो हम लोग घर जाएंगे और रास्ते में देखेंगे जहाँ जहाँ होलिका दहन हुआ होगा उसको हम लोग कवर करेंगे और साथ में आपको भी दिखाएंगे, ठीक है?
तो आइए फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ होलिका दहन हो चुका है और कहाँ होने वाला है। वैसे काफ़ी लेट हो चुका है तो ज़्यादातर हो ही गया होगा, तो फिर भी हम लोग विटनेस करते हैं कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चुका है 2 बज रहा है सुबह का, कह सकते हैं या रात का। पूरा खाली सड़क है। रात के टाइम का एक चीज़ है कि गाड़ी चलाने में मज़ा बहुत आता है। ये है गांधी मैदान पीछे, ये जगह हो गया भिकना पहाड़ी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करना होगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हम लोग जो प्लान करके निकले थे वो सारा कुछ पूरा हो गया, लाइक जैसे हम लोग मूवी सोचे थे वो पूरा हो गया, और फिर हम लोग होलिका दहन वगैरह सबको भी देख पाएँ। वैसे थोड़ा सा लेट हो गया था, स्टार्ट होते टाइम नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी जो था रास्ते में हम लोग कवर किए, तो जो था यहीं तक था। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात, गिव अवे चल रहा है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप पार्टिसिपेट करो और अपने दोस्त लोग को भी बोल के पार्टिसिपेट करो। आपका जो 3 ईयर ड्रॉप्स है वो खरीद के रखा जा चुका है, तो आप में से 3 किसी लकी विनर को वो मिल सकता है, तो जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करो और दूसरे को भी पार्टिसिपेट करवाओ। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।